हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको बता रहे हैं कि किसी प्रिंटर में, प्रिंटर का मॉडल तो वैसे मैं बता नहीं सकता आपको, वैसे ये प्रिंटर है 126NW, हमने खोला हुआ है। इसमें खोलने के बाद हमने देखा क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप देखोगे क्या कंडीशन हो रखी है इसकी। स्कैनर ये चूहे का किया हुआ है, ये आप देखोगे सुसु वगैरह कर देते हैं चूहे। और ये हालत देखो आप, यहाँ पे ये इशू कार्ड होता है इसका, ये स्कैनर होता है। खोलने के बाद हमें लगा कि इसकी एक वीडियो बनानी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर को भी दिखाना चाहिए कि ये कैसे होता है लाइव। आप देखोगे वीडियो के थ्रू ये केबल कटी हुई है, ये सब चूहे का किया हुआ है, क्योंकि प्रिंटर में जब चूहा घुस जाता है तो ये सब वो करामात कर देता है। इस तरह आप देखोगे ये आपका पूरा स्कैनर होता है, स्कैनर पे भी सुसु किया हुआ है। इशू कार्ड पे इधर ये मोटर होता है, इस पर सुसु किया हुआ है चूहे ने। तो इस प्रकार आप देखोगे इस वीडियो के जरिए कि क्या हो रखा है, ये पूरा चूहे ने प्रिंटर ख़राब कर दिया है। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम इस प्रिंटर में ये है कि ये इंस्टोलाइज ही नहीं करता है। एक ऑन होता है, ऑन होकर बस इंस्टोलाइज करता है, इंस्टोलाइज पे आके अटक जाता है। डिस्प्ले पे ओनली इंस्टोलाइज लिखा हुआ आता है, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं करता है प्रिंटर। तो हमने इसको खोलने के बाद देखा कि इसमें हो क्या रखा है, हो क्योंकि इसमें अभी अब मैंने वीडियो में दिखाया केबल कटी हुई है, आपके स्कैनर पे लेजर स्कैनर जो इसका होता है उस पर सुसु किया हुआ है, इशू कार्ड होता है इसमें एक, उस पर सुसु किया हुआ है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है प्रिंटर। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम रिपेयर कैसे करते हैं, किस तरीके से इसको हम रिपेयर करते हैं, कैसे इसको बंदा खोलेगा इसके स्कैनर में। ये आप यहाँ पे देखोगे कि स्कैनर के लिए एक मोटर होती है जिसमें ये भी प्रॉब्लम हो जाती है इसकी वजह से। तो ये बहुत चीज़ें होती हैं स्कैनर में, मैं वही आपको लाइव दिखाना चाह रहा था कि उसमें आप वीडियो के माध्यम से कि इसमें हम करते क्या हैं, होता कैसे है। ये मॉडल जो है, मॉडल है HP LaserJet 126NW। सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसका स्कैनर की बीम होती है लेजर बीम, उसको साफ़ करते हैं। ये पूरा स्कैनर खोलने के बाद इसको साफ़ सफाई करके लगाते हैं जहाँ पे चूहे ने सुसु किया हुआ है। ये अभी नहीं हुआ है रेडी, अभी हम इसमें चेंज करके देखेंगे इशू कार्ड लगा के, दूसरा इशू कार्ड लगाएंगे अब इसमें। अभी हम इसको इशू कार्ड को चेंज करके देखते हैं एक बार कि इशू कार्ड चेंज करने के बाद क्या मूवमेंट होता है प्रिंटर में। न्यू इशू कार्ड लगा के देखो भाई एक बार। इसमें अब मैं न्यू इशू कार्ड लगा रहा हूँ और इशू कार्ड लगा के हम चेक करेंगे कि हमारे प्रिंटर में मूवमेंट आता है या नहीं आता है। ये हमने इसमें नया इशू कार्ड लगा दिया है।
ये आप अब देखोगे हमने इशू कार्ड लगाया है तो इसमें मूवमेंट आ गया है प्रिंटर में। तो इस प्रकार आप देखोगे इस वीडियो के माध्यम से कि प्रॉब्लम क्या होती है इन प्रिंटर्स में। तो आप इस प्रकार देखोगे कि ये हमने प्रिंटर को रेडी कर दिया है। हम पहले आपका मैं बता रहा था कि ये ना आपके वीडियो भी दिखाया था कि जब हम ऑन करते थे ये इंस्टॉलाइज नहीं करता था। अब हम इसको लगा रहे हैं तो ये आपको इंस्टॉलाइज वगैरह सब कुछ करने लगा है। इस प्रकार आप देखोगे सूरज कंप्यूटर्स कोई भी प्रिंटर हो, आपका लेजर हो, कैनन इंकजेट हो, लेजर कैनन लेजर हो, कोई भी हो, एचपी कैनन सैमसंग ब्रोदर कोई भी प्रिंटर हो, सूरज कंप्यूटर सभी लैपटॉप सभी प्रिंटर्स की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। कृपया आप सूरज कंप्यूटर्स को एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारे दिए गए नीचे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। हमारा वीडियो जो आपको कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।